press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले मैं अमरीश सिंह और अपने दर्शकों को प्रणाम कर रहा हूं और आज सूर्या फार्म जो कि पनवेल में है और बहुत ही अद्भुत फिल्म की शूटिंग चल रही है जिस फिल्म का नाम है राजमहल और इस फिल्म के किरदार मैं अमरीश सिंह स्वयं हूं और मेरी अदाकारा जो कि मैं पहली बार कर रहा हूं जिसके साथ उस अदाकारा का नाम है अमरपाली दुबे। तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है राजमहल जो कि आज ही पहला दिन है और हम यहाँ 10 दिन और शूटिंग करने वाले हैं यहाँ के जो महल है उसमें। और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, फैंटेसी कॉन्सेप्ट है, लोगों को बहुत पसंद आएगा। हाँ बिल्कुल, किरदार 150 साल पहले का है जो कि एक राजकुमार एक राजकुमारी को कैसे चाहता है, कैसे प्यार करता है और उस प्यार को हासिल करने के लिए क्या क्या तकरीबें लगाता है और इस दौर की भी कहानी है। तो बिल्कुल एक फिल्म में दो मसाले मिलेंगे। एक जैसे मैं बता दूं दर्शकों को कि लोग एक फिल्म देखने जाते हैं। हाँ तो माफ़ी चाहता हूँ, मैं दर्शकों को बता दूं, जो आपने सवाल बहुत अच्छा कहा कि इस फिल्म में क्या क्या मिलेगा दर्शकों को। इस फिल्म में एक फिल्म राजमहल नहीं मिलेगा, इस फिल्म में राजमहल का दो पार्ट दिखेगा कि इंसान अपने आप में एक राजा होता है, उसका भी एक महल होता है, उसकी एक कुटिया होती है। लेकिन इस फिल्म में आपको दो दो फिल्म का सेट मिलेगा जो 150 साल पहले की भी कहानी है और आज के दौर की भी कहानी है और दोनों कहानियों को मिला के ये फिल्म बन रही है राजमहल। अमरपाली के साथ पहली बार शूटिंग कर रहे हैं, कैसा लगा पहला दिन? पहला हीरो चाहता है अमरपाली के साथ शूटिंग करना, आपको अमरपाली नहीं? मैं अमरपाली जी की जितनी तारीफ करूं उतना कम है। बहुत कॉपरेटिव और बहुत ही कहा जाए कि अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे और बहुत पेशेंसफुल है और सीन को प्रॉपर डिस्कशन करके सारे आर्टिस्टों जो हमारे साथ कंबाइन सीन हो सबके साथ हम लोग डिस्कशन करके एक एक सीन को प्रॉपर शूट कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ
कि अमरपाली जी के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अमरपाली जी सुपरस्टार हैं, काफ़ी सुपरहिट फिल्में दी हैं, तो मैं चाहता हूँ आई होप कि दर्शकों को ये भी फिल्म बहुत पसंद आएगी और ये भी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। अमरीश जी फिल्म के डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी हैं, उनके साथ कई फिल्में कर चुके हैं, लेकिन आज की शुरुआत कैसे रहा उनके साथ? बिल्कुल, विष्णु शंकर बेलू सबसे पहले मेरे एक बड़े ही घनिष्ठ मित्र हैं, मेरे बड़े करीबी हैं और मेरी उनकी ट्यूनिंग जो है बहुत अद्भुत है, तो शायद फिल्म के अलावा हम लोग फिल्म के आगे पीछे की रोचकता और मनोरंजन सब कुछ इतना वर्कआउट करके काम करते हैं कि मुझे लगता है कि बेलू जी मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन वो काम भी बहुत प्यारा करवाते हैं, मुझे हर चीज़ को सिखाते हैं और एक अच्छे डायरेक्टर हैं, और मैंने अभी उनके साथ जस्ट लव मैरिज एक फिल्म की है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है उसका ट्रेलर, और 1 नवंबर को फिल्म भी रिलीज हो रही है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि बेलू जी उसी तरह ये भी फिल्म तुम्बे की बनाए और लोगों को पसंद आए। फिल्म में आपके साथ और कौन कौन से किरदार हैं? हाँ, मेरे साथ इस फिल्म में के गोस्वामी जी हैं, दीपक भाटिया जी हैं, पल्लवी कोहली जी हैं, उमाकांत राय जी हैं, ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, गोपाल राय जी हैं और इत्यादि बहुत सारे किरदार हैं, जो कि अभी आज पहला दिन है, लोग आएंगे और किरदार करेंगे और हम सब साथ में फिल्म का पूरा कहा जाएगा कि एक सहभागी और एक पूरा अहम भूमिका निभाएंगे। इस वक्त हम लोग पनवेल में बारिश हम हो रही है, शूटिंग रोक करके आप लोग हाँ भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ही मेरा पीआरओ यहाँ पे पहुँचा है और मेरा पीआरओ बड़ा धनी है और आते ही एकदम सुबह से बहुत गर्मी थी आज यहाँ पे और हम लोग एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार चार फैन लगा लगा के बैठे थे, मैं अमरपाली जी और सारे आर्टिस्ट जो हमारे साथ थे, लेकिन हमारे पीआरओ को आते ही पूरा मौसम ठंडा हो गया, आज का हमारा जो सीन था पूरा कंप्लीट है लगभग और हम सब साथ में हैं अपने पूरी मीडिया टीम और अपने भाई बंधुओं के साथ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश भी हो रही है और मौसम ठंडा हो गया और कल और जोश और खराश में हम लोग काम करेंगे और पंचम लहराएंगे। अमरीश जी, ये आज का जो सीन चल रहा था वो थोड़ा सी जानकारी दें, क्या चल रहा था? बिल्कुल, सुबह से तो हमने अभी शाम को चौथी सीन किया है, सुबह से 3 सीन और किया है क्योंकि आज पहला दिन था और बहुत जमा के किया गया है। जो अभी आखिरी सीन चल रहा था ये चल रहा था हमारी जर्नी कि हमें पता चला है कि हम हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले बनारस जिले में और वहाँ से 450 किलोमीटर दूर पे एक राजमहल है, जिस राजमहल में एक दस्तावेज है जो कि हमें पाते ही हमें मतलब हम अमीर हो जाएंगे, हम उस दस्तावेज पाने के लिए वो खजाना पाने के लिए मैं अमरपाली जी के जी उमाकांत जी और एक पल्लवी कोहली बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, हम चारों निकलते हैं जर्नी में, उस जर्नी के बीच की जो रोचकता है जो लीला है उस सीन चल रहा था और बहुत ही खूबसूरत क्योंकि 450 किलोमीटर है तो एक दो दिन स्टे होगा रास्ते में, तो स्टे का ठंड है बहुत, आलाप जल रहा है और हम आपस में गैदरिंग जो चल रही है कहानी का आप लोग देखेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, यही सीन चल रहा था। हाँ बिल्कुल, ये हमारे देसी भाषा में कहल जाला कि एक कौड़ा तापल जाता रहा ठंडी में और बिल्कुल बहुत ठंड बा और रात गुनगुना ठंड बा जनवरी दिसंबर का, बादल भी कड़क रहा है, तो बादल तो कड़क रहा है, ये हम लोग उसी माहौल में सीन भी कर रहे थे और बिल्कुल खूबसूरत सीन था, थोड़ा सा रोमांटिक सीन भी होना था लेकिन हाँ नहीं बिल्कुल, सीन का जो भी डिमांड होगा गले मिलेंगे, जो भी सीन में होगा सब कुछ हम लोग सहमति से और अच्छा सीन जमा के करेंगे जिससे हमारा डायरेक्टर और पूरी टीम खुश हो और बाद में ऑडियंस हमारे खुश हो देखते सीन। इसके अलावा और कहाँ पे नेक्स्ट शेड्यूल? बिल्कुल हाँ सही आप कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 8 से 10 दिन कर रहे हैं, स्पेशली हम यहाँ पे आए हैं राजमहल के लिए जो कि सुरवे फार्म का महल बहुत बड़ा है और ये महल दिखाने के लिए हम लोग आए हैं, इस महल के बाद हम लोग आजमगढ़ शूट कर रहे हैं और बनारस शूट कर रहे हैं, तो 15 दिन का शेड्यूल वहाँ भी लग रहा है और जैसे ये ख़त्म होगा अगला नेक्स्ट शेड्यूल हम लोग आजमगढ़ बनारस करेंगे। गाने वाने किस प्रकार के?
बहुत खूबसूरत सॉन्ग बना है, जैसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया लव मैरिज का, बिल्कुल वही टीम है। धनंजय मिश्रा जी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मैं उनको बहुत पसंद कर रहा हूँ, उनके कार्य शक्ति पे बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो बिल्कुल म्यूजिक उन्होंने बहुत प्यारा बनाया है और बहुत खूबसूरत है। आज और कल और पिछला, इन तीनों को मिला के गाना बना है। मतलब हम चाहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देखते हुए गाना बना है और तीनों ऑडियंस को पसंद आएगा। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, ये इसका योगदान ये है कि हमारे सेट पे ट्रैक्टर मंगाया गया है और सीन में था अभी कि हम इसको यूज करने वाले थे, लेकिन अभी कल यूज होगा। तो प्रोड्यूसर हमारा काफ़ी धनी है, मतलब प्रॉपर्टी इकट्ठा करने में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कल का सीन आज ही रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया है। तो हमें लगा बारिश हो रही है तो इस ट्रैक्टर का सहारा ले लें, और छत भी है ट्रैक्टर में, तो बिल्कुल बैठे हैं और आप लोगों से बातचीत भी होगी। चलते चलते अपील करना चाहेंगे, जब ये राजमहल आएगी सॉरी हाँ जी बिल्कुल, ये आपको फिल्म समझिए कि मार्च के आसपास रिलीज होगी। और राजमहल अपने आप में एक अलग फैंटेसी फिल्म है, एक अलग कहानी है जो हर इंसान पसंद करता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे इतिहास कैसा था उसको देखते हुए, और आज का इतिहास क्या है उसको देखते हुए दोनों को मिक्स किया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। तो लोगों को देखते हुए आई थिंक हमारी तैयारी के हिसाब से मार्च होली के इर्द गिर्द हम रिलीज करेंगे। थैंक यू वेरी मच और सबको प्रणाम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लाल लाल ड्रेस आपका भी लाल है, अमरीश का भी लाल है और ट्रैक्टर भी लाल है, ट्रैक्टर भी लाल है और आप सबका, आप सबका जो गाल है वो भी टमाटर जैसा लाल हो रहा है क्योंकि हम सब लाल पास का है। जी कुछ बताएं शूटिंग के बारे में, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? सूर्या फॉर्म हाउस में शूटिंग चल रही है, किस फिल्म का चल रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ इससे पहले भी हमने एक जस्ट अभी प्रीमियर रखा था लव मैरिज, और फिल्म का प्रीमियर था, आप लोगों ने देखा ही है वो, उसमें ये हीरो हैं और मैं इनका दोस्त हूँ। यहाँ पर हमारा दोनों का थोड़ा सा गजल है, हम दोनों दोस्त नहीं हैं, यहाँ पर ये चोर है, मैं खबरी हूँ, सिपाही हूँ और इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे आया हूँ। और उसी के बीच में मेरे साथ भी एक हीरोइन है, इनके साथ भी आम्रपाली दुबे की भोजपुरी की ड्रीम गर्ल, भोजपुरी की ब्यूटी क्वीन आम्रपाली दुबे जी हैं और मेरे साथ बल्बी गोली। तो ये फिल्म जो बन रही है उनका इन्होंने सब बता ही दिया होगा, बहुत अच्छी फिल्म है और बस यहाँ मस्ती कर रहे हैं। देखिए हम लोग शूटिंग के साथ साथ अभी अचानक सीन के दौरान बारिश शुरू हो गई है और हमारे संजय भूषण पटियाला जी ढीले हो गए हैं, अभी उनको गर्म करूँगा, उनको सुखाऊँगा, वो ढीले हो गए हैं, उन्हें गर्मी लग रही है तो उनको हवा मार के ऐसा कर करके उनको सुखाऊँगा। सीन चल रहा था कुछ ठंड का सीन है, उसमें अंगेठी जली हुई है, आप लोग अंगेठी सेक रहे हैं और आपकी हीरोइन आपसे बहुत चिपक रही थी, क्या था मतलब सीन के बारे में, कितना एंजॉय कर रहे थे आप उसके? उस सीन में एक्टर हम लोग सपोर्टिंग एक्टर हैं, सीन इनका है लेकिन हर हीरो को गुस्सा देने के लिए हमारे जैसे छोटे छोटे ईगो की जरूरत होती है तो हमारा जो ईटा और पल्लवी जोशी नाम की जो सीमेंट थी, हम लोगों ने उस सीन में शुरू किया कि ये तुम ये खाओ डार्लिंग, नहीं नहीं मुझे डाइटिंग करनी है और वो सब चल रहा है, और इसी बीच इन लोगों का जो का जुटे एक दूसरे को ऐसा भी प्यार मोहब्बत का किस्सा चल रहा है और हम लोग थोड़ा सा मस्ती मजाक करके ये बोलते हैं सांप, और मैं बोलता हूँ कहाँ सांप कहाँ भाषा कहाँ सांप, और करके भाग जाता हूँ। ये दोनों सीरियस हो जाते हैं
अभी इन दोनों का जो एक दूसरे का लुक चेंज एक्सचेंज होता है उसी में। लेकिन नज़र लग गई, बारिश आ गई और हमारे पीआरओ साहब पधारे और जोर की बिजली कड़की और बारिश आ गई और हमारा सीन नहीं हो पाया वो, और हम कल करेंगे उसको। मतलब ऊपर वाला भी साथ दे रहा है कि आप लोग बार बार ये सीन करें, कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाला पूरा साथ दे रहा है कि ये सीन जो हम लोगों ने आज आधा कर लिया था इसको और अच्छे से कल फिर से शुरू से करेंगे। एक और मौका। एक वीडियो बना था वो मैं आपको बता दूँ, हमने बहुत प्यार से बनाया था उस वीडियो को और आपने शूट किया था, आपका नाम क्या है? सौरभ जी ने उसको डीओपी के सौरभ जी, और सवाल हमसे पूछ रहे थे संजय भूषण पटियाला जी, उसके पहले इस मुद्दा पर हमने बात किया, उस मुद्दा पर कोई भी 3 महीने से कुछ बोल नहीं रहा था। मुद्दा था डूबता हुआ बिहार, 3 महीने से बिहार डूबा हुआ था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लाख लाख शुक्र है, बहुत सारा धन्यवाद भगवान का, संजय जी का, सौरभ का, इन लोगों ने वो वीडियो हमारे साथ बनाया, हमने फेसबुक पर डाला। आज मैं देखा हूँ 646 उसके शेयर हो चुके हैं, 34,000 व्यूज हैं 4-5 दिनों में, और मैंने उसमें जो बोला था उसकी ये प्रतिक्रिया हुई है कि हमारे बाद मेरे बाद भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी जी भी बोले, दिनेश लाल निरहुआ जी ने भी बोला थी, और वहाँ पर खाद्य सामग्री प्लस कुछ कपड़े जो भी सुख सुविधाओं का सामान पहुँचाया है, और भी बहुत सारे नेता और हमारे श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया कि बिहार में जो भी जरूरत है हर संभव मदद करने के लिए हमने पूरा खजाना खोल रखा है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ संजय भूषण पटियाला जी को, सौरभ जी को, और हमारे देश की वो जनता जिसने इस वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना शेयर किया, जिसके वजह से इतने लोग जाग गए। अब मुझसे कोई ये पूछ सकता है? मैं जानता हूँ मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करूँगा और करता रहूँगा। अम्रपाली जी भोजपुरी के सुपर स्टार मोस्ट म्यूजिक ड्रीम गर्ल ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, हमारे पूरे बिहार यूपी और जितने भोजपुरी भाषी हैं सबके सपनों में आती हैं, चाहे वो मेरे जैसा हो चाहे वो हाँ आजकल अमरीश जी ने मतलब इसके पहले भी लेकिन ये बहुत बदमाश है ना, अभी इसके पहले अक्षरा जी के साथ सपने देखा, उसके पहले 9 हीरोइनों के साथ सपने देखा, जिसमें मोनालिसा जी, रानी चटर्जी जी, अंजना जी, मतलब सारी भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइने थी। ये इतना बदमाश है दूसरों को सपने देखने का टाइम ही नहीं देता। नहीं मेरे अच्छे गुरु समान मेरे भाई हैं के गोस्वामी जी, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, और ये इस मेरे पहले ये सपने देखा करते थे, और जैसे सीखने की बात है तो बस इन्हीं के पदचिन्हों पे भी चल के सपने देखता हूँ कि एक दिन जैसे ये इतने मैं इनका स्ट्रगल और इनकी जर्नी को मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, आज उस स्ट्रगल और जर्नी। हाँ बिल्कुल, अमरपाली जी से कहना चाहता हूँ कि मैं कुछ ही समय पहले सपना देखा और तुरंत मैंने केके भैया को बताया, और आज धन्यवाद करता हूँ केके भैया की वजह से वो मेरा सपना साकार हो गया। देखिए ये अमरीश जी के बारे में दोस्त अब बोलना चाहता हूँ, संजय जी यहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं नाम रख के बोलता हूँ, विनय आनंद जी बड़े खूबसूरत बहुत पढ़े लिखे सूर्य रवि किशन जी, महादेव साक्षात महादेव हैं, उनके ऊपर प्रभु की कृपा है, बहुत पढ़े लिखे हैं, और हमारे भोजपुरी के दिलीप कुमार हैं,
यहाँ मनोज तिवारी साहब आए, विदेश लाल निरहुआ जैसा बहुत सुलझा हुआ एक्टर बिल्कुल, और भोजपुरी में बोला जाता है हिंदी के आमिर खान है, पवन सिंह रॉक स्टार खिलाड़ी भी, बहुत से और भी चॉकलेटिया हीरो भी हैं और बहुत से अच्छे अच्छे एक्टर हैं, सिंगर हैं, नॉन सिंगर हैं, उसमें से एक ये भाई आप देख सकते हैं, ये जो भी है सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के बल होते हैं, बहुत मेहनत करता है ये आदमी, इतना मेहनत करता है और अपने मेहनत के बल होते पर एक प्रोजेक्ट तैयार करता है, फिल्म बनाता है, फिल्म को रिलीज करवाता है, फिल्म को हिट करवाता है, आप समझ सकते हैं। एक आप मैं शुरू किया था एक प्रोजेक्ट वेब सीरीज 10 मिनट 12 मिनट का, मैं वो नहीं कर पाया, 12 मिनट का एक शूट नहीं कर पाया, ये आदमी 3-3 घंटे की फिल्म 9 हीरोइन के साथ, 2 हीरोइन के साथ, 4 हीरोइन के साथ करता है, सैल्यूट है आपको और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया सर, आप मुझे बताइए ट्रैक्टर कहाँ जा रहे हैं आप? ट्रैक्टर से हम लोग जा रहे हैं गया से बॉम्बे और जा रहे हैं भोजपुरी फिल्म वाले। अच्छा, ये अपना नाम मैं इनका भी पता करेंगे, ये हमारे पार्टनर है रोहित जी, हम लोग साथ में भोजपुरी फिल्म का प्लान करने के लिए है और ये लोग जा रहे हैं बॉम्बे बनाने के लिए। इस मूवी का नाम है राजमहल, क्योंकि हमारी फिल्म का बजट थोड़ा कम है, इसलिए कि हम लोग थोड़ा कम बजट में वहाँ पहुँच जाए और इसको अच्छा से कम्प्लीट किया जाए। तो आपको उम्मीद है, आशा है कि ट्रैक्टर पहुँच जाएगी? एकदम एकदम पूरी उम्मीद है, बिल्कुल पहुँच जाएगी। फिल्म कहाँ, मुंबई में फिल्म बनी है सूर्या फॉर्म में पनवेल में जी। फिल्म का नाम राजमहल है और इसमें हमारे बहुत प्रिय मित्र अमरीश जी हैं और लीड में अम्रपाली जी हैं, अमरीश जी हैं और अम्रपाली के बारे में आपने पहले सुना होगा, पहली बहुत बुरी फिल्म आया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? उनके बारे में इतना कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी नेचर की भी है और हम लोग को अच्छा लग रहा है साथ में काम करके। सर आप क्या कहेंगे हमारे बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो भोजपुरी के जानी मानी कहती तक नेत्री हैं तो उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं, उनको हर कोई जानता है भोजपुरी में। पहली बार कब उनका नाम सुने थे आप या कोई फिल्म? हम लोग तो बिहार से हैं तो हम लोग तो भोजपुरी के बिल्कुल जो है नज़दीक में हैं तो हमें तो उनको बहुत पहले से जानते हैं। हमें तो उनके बारे में अम्रपाली के बारे में भोजपुरी में बताने की हम भी नहीं कहता कि बोलना जरूरी है, उनको तो हर कोई जानता है। तो आपके फिल्म के में क्या कर रही हैं उसके बारे में थोड़ी बताएं, थोड़ा बताएं क्या किस प्रकार का किरदार होने वाला है? देखिए हमारे इतना बड़ा नाम होता है उस तरीके का, उनको उनका किरदार भी उस तरीके का होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए हमारे फिल्म में जो है एक राजमहल, जैसा कि आप लोगों का नाम जाना होगा, तो एक महारानी का वो रोल अदा करेंगे। और सर आप बताएंगे उनका किरदार जो है डबल रोल है, एक तो एक चुनरी का किरदार है जो स्टार्टिंग में है और उसके बाद हम उनको दिखाते हैं महारानी के रूप में, उनका डबल रोल उनका है स्क्रीन में। आज यहाँ जो पिक्चराइजेशन हो रहा था क्या हो रहा था? आज का सीन जो था हम लोग दिखा रहे हैं कि जो हमारे एक्टर हैं अमरीश सिंह जी और जो हमारी एक्ट्रेस हैं अम्रपाली जी, उन लोगों का जर्नी का जो रोल है हम लोग आज वो शूट कर रहे थे और हम लोग का वो चल रहा है। इसके बाद और क्या शेड्यूल है इसका? इसके बाद हम लोग शेड्यूल है कि कल कुछ गाना करेंगे, उसके बाद कुछ माल का सीन है हम लोग वो करेंगे। सब यहीं पे है कि और? नहीं, हम लोग का 50% मुंबई में है और 50% हम लोग यूपी में कर रहे हैं, आजमगढ़ बनारस हम लोग का प्लानिंग है। रिलीज का क्या प्लान है सर, कब तक रिलीज करने का प्लान है? रिलीजिंग का प्लान हम लोग का है कि जनवरी इंड या फरवरी फर्स्ट वीक में रिलीज करेंगे। कमलकांत जी, कहाँ ट्रैक्टर में बैठ के कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बॉम्बे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जरा बताएं और क्या? ये प्रदीप साहू जी हैं जो हमारे प्रोड्यूसर साहब के बड़े अजीज मित्र हैं और हमारे फिल्म के मतलब सूत्रधार जैसे हैं कि उनके सपोर्टर, तो साथ में ये पूरा ड्राइव का काम यही संभाले हुए हैं और इन्हीं के ऊपर पूरा दारो मदार है। अच्छा जी, कहाँ
बॉम्बे जा रहे हैं आप लोग? हाँ, से ही जा रहे हैं और बड़ा मजा लेते हुए जा रहे हैं, जो बारिश का मजा ले रहे हैं हम लोग, और बड़ा आनंद आएगा। तो ये शूटिंग में आप लोग पहुंच पाएंगे ट्रैक्टर से? जरूर, क्यों नहीं, हौसला बुलंद हो तो मंजिल तो आसान हो जाए। करने जा रहे हैं, ये फिल्म है राजमहल, कमाल की स्टोरी। हाँ, अब ये सारी चीजें ओपन नहीं करेंगे और बस। इसमें अमरीश सिंह जी हीरो हैं, अम्रपाली जी हैं और बड़े अच्छे अच्छे कलाकार और सपोर्टिंग जी हैं। हाँ जी। सर, आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? हम इतना बताएंगे कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा लगा शूटिंग? क्या क्या शूटिंग देख के आज हम पूरा दिन भर शूटिंग ही देखे। अच्छा, अम्रपाली को पहचाना था क्या? कुछ लगा फिल्म में? हाँ, फीलिंग तो हुआ फीलिंग तो हुआ जी, फीलिंग ये हुआ कि हम इतने आदिश को पहली बार देखे हैं और आमना सामना तो फर्स्ट टाइम हुआ, इसके बाद कोई बड़े आर्टिस्ट से मिले भी। जैसे कि हमारे हीरो ने बोला कि मुझे सपना आई थी कि इसके साथ फिल्म करना है, अभी देखने में कोई सपना आई नहीं, हमें सपना नहीं आया, हम तो हकीकत में देख लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं दूसरी फिल्म उनके साथ मैं कर रहा हूँ, इसके पहले सबसे पहले मैंने कि आशिक आवारा किया था और ये दूसरी फिल्म मैं राजमहल भी कर रहा हूँ। और वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छी, उनका नेचर बहुत अच्छा है और पूरी मतलब सपोर्टिंग बहुत अच्छा उनका। यूपी बिहार के दर्शकों को क्या कहेंगे आपकी फिल्म? बस यही हम यूपी बिहार वाले अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि भोजपुरी फिल्म सब कुछ आप ही के ऊपर है और आप लोग हमसे दूर मत होइए, जितना आपका सपोर्ट मिलता जाएगा उतना हम जितना अंदर है पूरा दारो मदार सब आपके सामने उड़ेल देंगे। ऐसा है, आप हीरोइन को लाइन मार रहे थे अभी, हम सीन देख रहे थे, ऐसे गलत काम क्या करते हैं? नहीं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए कि वो फिल्म के अंदर ऐसा सिचुएशन है जो कि लाइन मारना मतलब हमारे करेक्टर के हिसाब से वो चल रहा है जो राइटर ने लिखा है और डायरेक्टर के आदेश के हिसाब से। गुस्सा कर रहे हैं? हाँ, उनके साथ खुदा न खास्ता कई फिल्मों में मेरा नोक झोंक रहा है तो एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर से हो ही जाता है और चीज़ें निकल आती हैं और वो लोगों को दर्शकों को बड़ा पसंद है। अमरीश सिंह आप बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। हाँ, उनके किरदार के बारे में जरा हल्का बताएं दर्शकों को, और कैसा रिलेशन आपका मेरे? अमरीश जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं और बहुत मुझे मानते भी हैं और मैं भी उनको उतना ही प्यार करता हूँ और बाई नेचर बहुत अच्छे हैं जैसा आपको लगा होगा, है ना, और उसमें कुछ नहीं, उनके दिल के अंदर कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन और हमेशा लोगों का सपोर्ट करना चाहते हैं और अच्छे कलाकार की हमेशा वो विल विशन है। फिल्म में आपकी जो हीरोइन है उसकी कैसी है, जरा आप लाइक करते हैं? बिल्कुल, अरे खोल के बताने चाहिए, नहीं नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो और बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, आप लोग इतना मत खुलवाइए और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठंड का सीन चल रहा था, ठंड और अंगेठी आप लोग देख रहे थे। जी जी, डेफिनेटली ऐसे में तो सवाल बनता ही है। जरूर जरूर, क्यों नहीं, तीन लड़के हैं, दो लड़कियां, नहीं नहीं ये तो बहुत कमाल की बात है और आपको तो थोड़ा सा मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और सलूट करता हूँ कि आप लोग ऐसे समय पे हम लोगों का सपोर्ट करते हैं और मीडिया का तो प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दोनों जनों को मैं प्रणाम करता हूँ और थोड़ा सा आप लोगों को अगर कुछ मिल जाए तो उसका एकदम लेकिन बहुत अच्छा लगा। उनको हमेशा हम टी वी पे ही देखे, कैसा लगता है फर्स्ट टाइम? वो कॉमेडी उनको मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। आपका जो मित्र जो फिल्म निर्माता है उनके बारे में कुछ बताएंगे? वो बहुत बहुत फ्रैंक हैं और हमारे रोहित जी जो हैं अगर जमीन पे हैं तो ईश्वर के रूप में रोहित जी हैं। मतलब तारीफ में शब्द कम पड़ रहे हैं। हाँ, सब तो मिल नहीं रहे, ढूंढना पड़ रहा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.